नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आप सभी लोगों का बायजूस एग्जाम प्रेप चैनल पर। और आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो है जिद। जिद एक ऐसी सोच, एक ऐसी भावना जो आपको जीत की ओर लेकर जाती है। और आज हम उसी जिद पर बात करेंगे जिसने भारत के अंदर एक राष्ट्रीय आंदोलन को पैदा कर दिया, एक ऐसा राष्ट्रीय आंदोलन जिसने देश को आज़ादी के रास्ते पर ले जाने का कार्य किया। मैं राजेश यादव आज उस जिद को लेकर कि वो जिद किसकी थी, वो आंदोलन किसका था और उस जिद करने वाले शख्स का नाम क्या था और उस आंदोलन को सफल बनाने वाले व्यक्ति कौन थे, इस पर आपके साथ चर्चा करूंगा। तो वो जिद्दी व्यक्ति थे एक आम किसान, एक छोटे से किसान जिनको जाना जाता है राजकुमार शुक्ला के नाम पर, जिन्होंने 1917 के साल में मुलाकात की है गांधी जी से। और गांधी जी से मुलाकात करके, वस्तुतः ये मुलाकात तो 1916 के लखनऊ समझौते में हुई थी और उसी समझौते में गांधी जी से जिद किया गया था कि चंपारण चलिए, किसानों की दशा बहुत खराब है, बहुत बुरी है, उन किसानों के लिए तारणहार बनिए। गांधी जी ने उस किसान को देखा और उस किसान को देखने के बाद वो प्रभाव नहीं आया जो गांधी जी को लगा कि इनकी बातों को सुना जाए या माना जाए। इसलिए गांधी जी ने उस किसान को सिर्फ एक सांत्वना दी, ठीक है आएंगे, देखेंगे, सोचेंगे। लेकिन जिद, और वो जिद राजकुमार शुक्ला ने पकड़ रखी है कि न आएंगे, न देखेंगे, न सोचेंगे, चलेंगे, चलना पड़ेगा, देखना नहीं, काम करना पड़ेगा और किसानों को मुक्ति दिलानी पड़ेगी। ये वो जगह थी जहां पर जिद की गई, वो लखनऊ का महमूदाबाद पैलेस, और उसके बाद राजकुमार शुक्ला की जिद पहुंचाती है गांधी जी को चंपारण। और भारत की राजनीति का वो आंदोलन शुरू होता है जिसे चंपारण आंदोलन कहा जाता है, जो कि नेपाल का, बिहार का इलाका है, जो कि नेपाल के बिल्कुल बॉर्डर पर यानी सीमावर्ती इलाका है। किसानों की दिशा बहुत खराब है क्योंकि अंग्रेज किसानों, जमींदारों के द्वारा किसानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है कि नील की खेती करो। किसान निराश, परेशान, वो नहीं चाहते हैं, वो चावल की खेती उगाना चाहते हैं। बस शुरुआत होती है उस युद्ध की, उस लड़ाई की जो चंपारण सत्याग्रह से शुरू होता है 1917, और यही लड़ाई 30 साल तक जारी रहती है जो 1947 में भारत को आज़ादी दिलाता है। तो चंपारण की इस जिद को हमें ध्यान रखना है, राजकुमार शुक्ला जैसे एक सर्वसाधारण किसान को ध्यान रखना है, जिद हमें सफलता दिलाएगी। तो आज की चर्चा हम लोग यहीं तक रखते हैं, बस ध्यान रखिएगा जिद रखनी पड़ेगी, और क्योंकि जिद हमें जीत दिलाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।